कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए ये सात मशहूर सितारे। कुछ ने की खुदकुशी तो बीमारी ने ली कई की जान, एक ने तो मरने से पहले दान कर दी थी 5,000 करोड़ की संपत्ति। नंबर 7, दिव्या भारती। कम उम्र में दुनिया से जाने वालों में बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री दिव्या भारती का नाम भी शामिल है। दिव्या ने बहुत ही कम समय में बड़ी पहचान हासिल कर ली थी। महज 19 साल की उम्र में वे दुनिया चल बसी। जानकारी के मुताबिक वह नशे की हालत में घर की बालकनी से नीचे गिर गई थी। हालांकि अभी तक उनकी मौत का कारण साफ नहीं हो पाया है। नंबर 6, सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड का यह चमकता सितारा बहुत जल्दी टूट गया। बीते साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर से हर कोई स्तब्ध था। हिंदी सिनेमा के उभरते सितारों में से एक सुशांत को 14 जून 2020 को अपने मुंबई स्थित घर पर मृत पाया गया था। सुशांत की मौत के बाद इस मामले की सीबीआई जांच भी की गई थी, हालांकि जांच एजेंसी के हाथ कुछ नहीं लगा। बता दें कि 33 साल की छोटी उम्र में ही सुशांत का निधन हो गया था। नंबर 5, जिया खान। बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में नजर आईं एक्ट्रेस जिया खान भी बहुत छोटी उम्र में चल बसी। जिया ने 3 जून 2013 को अपने जुहू स्थित घर में खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हिंदी सिनेमा के शहनशाह अमिताभ बच्चन के साथ साल 2007 में आई फिल्म निशब्द से की थी। इसके बाद उन्होंने गजनी और हाउसफुल जैसी फिल्मों में भी काम किया था। नंबर 4, प्रत्युषा बनर्जी। टीवी धारावाहिक बालिका वधू से अपनी पहचान बनाने वाली प्रत्युषा बनर्जी ने जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगा लिया। प्रत्युषा ने महज 25 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्होंने 1 अप्रैल 2016 को अपने घर पर फांसी लगा ली थी। नंबर 3, स्मिता पाटिल। हिंदी सिनेमा की एक और चर्चित अभिनेत्री स्मिता पाटिल का सिर्फ 31 साल की उम्र में निधन हो गया था। दरअसल अपने छोटे बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के बाद एक्ट्रेस को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए थे, जिसके चलते 15 दिनों के अंदर 13 दिसंबर 1986 को अभिनेत्री की मौत हो गई। नंबर 2, मधुबाला। अपने जमाने की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मधुबाला बेहतरीन अदाकारा भी थी। हालांकि फिल्मी करियर के साथ ही उनका जीवन भी छोटा ही रहा। उन्होंने 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। बताया जाता है कि दिल की बीमारी की वजह से वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाई। नंबर 1, मीना कुमारी। हिंदी सिनेमा के बड्ढे नामों में से एक मीना कुमारी भी कई सालों पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। महज 39 साल की उम्र में मीना का निधन हो गया था। बताया जाता है कि शराब के अधिक सेवन की वजह से उन्हें लिवर का सिरोसिस हो गया था, जिसके बाद 31 मार्च 1972 को उन्होंने अंतिम सांस ली।